अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि जब भी किसी पार्टी में कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं तो वो आके तुरंत मिलके चले भी जाते हैं, और जब वो आते हैं तो हर छोटे बड़े इंसान का अटेंशन उन्हीं पर होता है। उन्हें घर पर भले ही कोई काम ना हो लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक लॉजिक पता है कि अगर लोगों के बीच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उनका एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो हर जगह अवेलेबल रहने लगेंगे तो लोग उनकी प्रेजेंट का टैग इन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, और ऑब्वियसली इससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं एक नॉर्मल आदमी हर जगह अवेलेबल रहता है, जिससे हर आदमी उसकी इज्जत नहीं करता है। वीआईपी जैसी इंपॉर्टेंस पाने के लिए या उसके जैसी इज्जत पाने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। सीखना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना जितना छोटा वर्ड है ना उतना आसान नहीं है इसे बोल देना। हमें सामने वाले को ना इस तरह से कहना है कि वो हर्ट भी ना हो और उसके सामने हमारी वैल्यू भी बनी रहे। आपको पता है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है लोगों के नजरों में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन जो लिमिट में होती है लोगों की नजरों में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कुछ छोटी छोटी बातों का और कुछ यूजफुल बातों का। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो दुनिया के बीच में आपकी वैल्यू को एक अलग लेवल पर लेके जाएगा। पहले नंबर पर आता है डोंट टॉक टू मच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का अटेंशन पाने में लगे रहते हैं। वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इतनी ज्यादा बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को लगता है कि वो ज्यादा बात करेंगे तो लोग उनकी बातें ही सुनेंगे, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके भी दोस्तों में कोई ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा बातें करता होगा, आप उसकी बातें सुनते हो क्या? नहीं ना, आप इरिटेट हो जाते हो, बल्कि आप उसकी बातों को इग्नोर करना भी शुरू कर देते हो। लेकिन अगर कोई कम बोलने वाला बंदा बोलता है तो लोग उसकी बातें बड़े चाव से सुनते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि जो बंदा कम बोलता है अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों में कुछ खास बात जरूर होगा। तो बहुत ज़्यादा बात करके दूसरों की नज़र में खुद की बातों का और अपनी इम्पोर्टेंस को कम मत कीजिए। दूसरे नंबर पर आता है डेवलप पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो निगेटिव बात करते होंगे, उनको अपनी कमियां बहुत ज़्यादा दिखती होंगी। आपको ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करने का मन करेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई अपने कमियों से ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेगा तो आप नहीं बल्कि हर आदमी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको खुद का रिस्पेक्ट करना होगा। आपको अपने अंदर की निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना होगा। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको किसी गलती पे डांट दिया है तो आप उस गलती को लेके बैठिए मत, बल्कि अपने दिमाग में अपने दिल से ये कहिए कि आपने जो गलती किया है आप उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो आपको बॉस पे भी गुस्सा नहीं आएगा और खुद पे भी नहीं आएगा। तीसरा है स्पीक ट्रूथ बिकॉज लाइफ वॉन्ट गिव यू रिस्पेक्ट। किसी भी इंसान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाया करते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के सामने सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं, और ट्रस्ट का होना किसी भी बिजनेस या रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको आपके किसी दोस्त से मिलना है और आप उसे फोन किए, उसने बोला कि मैं रास्ते में हूं और वो घर पे सो रहा है, आप क्या दोबारा उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लोग छोटी छोटी झूठ बोल के थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी इमेज को लोगों के बीच में खराब कर रहे होते हैं। इसलिए खुद की बेनिफिट के लिए छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसे अपनी तारीफ के बजाय अपनी फियर और अपनी कमियों के बारे में बताइए, ताकि वो आपसे कुछ सीख सके। चौथा है गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। ऐसा माना जाता है कि जो आप लोगों को देते हैं बदले में आपको भी वही मिलता है। आप अगर लोगों को फूल देते हैं तो आपको भी फूल मिलेगा, अगर आप लोगों को कांटा देते हैं तो बदले में आपको भी कांटा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? वो भी आपको वही देगा जो आप उसे देते आए हैं।
अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो बदले में आपको उसे वो चीज़ देनी होगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप तो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप घबराओ मत। आपने कहावत सुनी है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते हैं। लेकिन किसी एक इंसान के लिए आप खुद को क्यों बदलोगे? पांचवा है लर्न टू वैल्यूएबल स्किल। अगर आप किसी से अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना है। पहला कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है और दूसरा वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। लोगों का आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को एक बार अपनी रिस्पेक्ट करने का मौका तो देकर देखो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी करंट वैल्यू को बढ़ाकर उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करोगे। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप अपने अंदर एक अच्छी सी स्किल डेवलप करोगे। मान लो आप एक सेल्स फर्म में काम करते हो तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे कलीग होंगे जो आपके साथ सेल्स करते होंगे, तो आप उसमें ऐसे यूनिक कैसे बन पाओगे? आपको एक सेल्स का एक्सपर्ट बनना होगा जो बाकियों को नहीं आता है। उन सबके बीच एक वैल्यूएबल पाने के लिए आपको सेल्स का मास्टर बनना होगा, तब जाके वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे। मान लो आपने सेल्स करने का तरीका भी सीख लिया, सब कुछ हुनर आपको आ गया, लेकिन आपको उसे प्रेजेंट करने का ही तरीका नहीं पता है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाइए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा।